रेलवे हेडक्वार्टर्स में वजीर रेलवे शेख रशीद की जेर सदारत इजलास जारी है। दो महीने के फ्रीट और पैसेंजर आमदन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त इजलास जारी है, शेख रशीद अहमद की सदारत करेंगे वो रेलवे हेडक्वार्टर्स में। वजीर रेलवे शेख रशीद की जेर सदारत ये अहम इजलास जारी है। दो महीने के फ्रीट और पैसेंजर आमदन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आपको बताएं कि रेलवे हेडक्वार्टर्स में वजीर रेलवे शेख रशीद की जेर सदारत ये अहम इजलास मुनाकिद किया गया है। दो महीने के फ्रीट और पैसेंजर आमदन के हवाले से यहाँ पर बातचीत की जाएगी। रेलवे हेडक्वार्टर्स में वजीर रेलवे शेख रशीद की जेर सदारत ये इजलास जारी है और अहम इजलास है, जिसमें दो महीने के फ्रीट और पैसेंजर आमदन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। खबर आपको दे रहे हैं रेलवे हेडक्वार्टर्स में वजीर रेलवे की जेर सदारत यहाँ इजलास जारी है। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमेर चौधरी। कहिएगा उमेर। बिल्कुल, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ। इजलास में नए तैनात होने वाले चेयरमैन सेक्रेटरी रेलवे जलाल सिकंदर सुल्तान ने भी शिरकत की। इस मौके पर दो महीने की फ्रेट और पैसेंजर ट्रेनों की आमदनी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ फ्रेट सर्विसेज में मजीद तोसी करने के हवाले से भी गुजारिश जेरे गौर रहेंगे। उमेर चौधरी हमें बता रहे थे इस इजलास के हवाले से, शुक्रिया आपका।